नमस्कार दोस्तों, ईशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान के जून महीने के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और भी नए वीडियो के लिए आप हमारे ईशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप सामान्य ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, जीके नोट्स और पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। निम्न में से कृषि वैज्ञानिक का क्या नाम है जिन्हें कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर डॉक्टर BR छिपा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर BR छिपा को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय हिंदी सेवा संस्थान की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर BR छिपा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर डॉक्टर CP जोशी। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA के 2 जून को जारी नतीजों में ललित मोदी गुट को झटका देते हुए कांग्रेस के डॉक्टर CP जोशी गुट ने बाजी मारी है। RCA एकेडमी में हुई मतगणना के बाद सामने आए नतीजों में अध्यक्ष के साथ कुल 6 पदों में से 4 पर जोशी गुट ने कब्जा जमाया। जोशी ने इस जीत के बाद राजस्थान पर लगे BCCI के बैन को हटवाना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। किसने इंडोनेशिया ओपन 2017 का खिताब जीता है? सही उत्तर किदांबी श्रीकांत। बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने 18 जून 2017 को इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज 2017 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। श्रीकांत इस टूर्नामेंट में जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। हाल ही में कौन से राज्य में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर गांव के नाम के कारण सुर्खियों में रहा है? सही उत्तर राजस्थान। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत सामाजिक कार्यकर्ता एवं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने एक भारतीय गांव का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की है। यह गांव राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बसाया जा रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव आलोक ने जयपुर में कहा कि किसी गांव का नाम बदलना सरकार का काम होता है और उसके लिए एक प्रक्रिया है। DRDO ने 13 जून को टैंक भेदी मिसाइल नाग का परीक्षण कहाँ किया है? सही उत्तर राजस्थान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 13 जून 2017 को टैंक भेदी मिसाइल नाग का राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के रेगिस्तान में सफल परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मिसाइल ने मिशन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस अत्याधुनिक मिसाइल के परीक्षण के मौके पर DRDO रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के वैज्ञानिक सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य लोग उपस्थित थे। किस जिले की बगड़वा ग्राम पंचायत को बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा अवार्ड मिला है? सही उत्तर टोंक। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से मिले 6 पुरस्कार मुख्यमंत्री कार्यालय में शुक्रवार को भेंट किए। इनमें टोंक जिले की बगड़वा ग्राम पंचायत को बेस्ट परफॉर्मिंग ग्राम पंचायत इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा अवार्ड मिला। मिस इंडिया वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर मानुषी चिल्लर। फेमिना मिस इंडिया 2017 का खिताब हरियाणा की मानुषी चिल्लर ने जीता है। 25 जून 2017 को मुंबई के यशराज स्टूडियो में आयोजित समारोह में 30 राज्यों की सुंदरियों को पीछे छोड़ मिस हरियाणा मानुषी चिल्लर ने मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया। रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 में निम्न में से किस राज्य का वित्तीय घाटा सबसे अधिक है? सही उत्तर राजस्थान। सबसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राजस्थान की वजह से वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों का वित्तीय घाटा बढ़कर
4,93,360 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ये घटा वित्त वर्ष 1991-92 में 18,790 करोड़ रुपए था। इस प्रकार देखा जाए तो पिछले 26 सालों में राज्यों का वित्तीय घाटा लगभग 26 गुना बढ़ गया है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सही उत्तर, अशोक जैन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री अशोक जैन ने 30 जून को शासन सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में श्री ओपी मीणा से मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि जोधपुर जिले के मूल निवासी श्री अशोक जैन 1981 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। श्री जैन इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। ईशाला के सभी वीडियो के लिए आप ईशाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी सामान्य ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, जीके नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।